व्हाट्स अप गाइस, तने भाई की वीडियो है, मस्त मजेदार मीम्स है इंडिया वर्सेस श्रीलंका के पहले मैच से। तो जो टाई हो गया था भैया, वक्त बदल गया उस मैच के बाद, तो करते एंजॉय। 1 2 3 गो भाई। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। अर्षदीप पाजी, एक मिनट, आज वेस्टर्न कुर्सी पर बैठ के आपको इंडियन सैल्यूट करूंगा। अगर यही सेम काम अर्षदीप पाजी ने ओलंपिक्स में कर दिया होता, वो लोग 3-4 मेडल इनके चरणों में कोटि-कोटि रख जाते। 14 बॉलों में 1 रन चाहिए था भाई। अचानक से अर्षदीप पाजी के सपने में युवराज सिंह आ गए, एक चपाट मारा और बोला कि आज से तू युवराज सिंह। पाजी छक्का मार के मैच जिताने चले थे और भाई कॉन्फिडेंस देखो, जैसे ही शॉट लगाया कहीं देखा ही नहीं, सिराज की साइड देख रहे थे कि कितने मीटर का छक्का गया, जरा देख के बताइयो। और ये पहली बार नहीं है, जब भी अर्षदीप पाजी बैटिंग करने क्रीज पर आते हैं ना, इनको लगता है सचिन तेंदुलकर को बैटिंग किसने सिखाई, तुम्हारे अर्शु ने। ये देखो भाई ने बैट और स्टंप्स के बीच में इतना गैप रखा है, भजिए तला जाए इसमें भाई। इतने कॉन्फिडेंस से क्रिकेट मैंने ईए स्पोर्ट्स में भी नहीं खेला। पाजी को किसी टाइप का तो गांजा मिल ही रहा है भाई हिमाचल का, जो कि अभी तक बाकी लोगों तक डिलीवर नहीं हो पाया। कचरा हमको एक दौड़ लेने होगा, कचरा अरे अर्षदीप, आराम से 1 रन क्यों नहीं लिया यार, हम लोग मैच जीत जाते। अरे सस्पेंस थ्रिलर बनाते ना। लास्ट T20 में तूने नहीं देखा क्या, पब्लिक को कितना मजा आया था सुपर ओवर देखने में। इसको भी सुपर ओवर बनाते ना, फिर जीत जाएंगे, टेंशन नॉट। पैंचो आज फ्राइडे यार। अबे पागल आदमी, ये ODI क्रिकेट है, इसमें कहां होता है सुपर ओवर, तूने मैच टाई करा दिया। ओ पैंचो, फिर तो गंभीर पाजी मेरी मार देंगे। हां मजे तो बहुत आने वाले हैं आज ड्रेसिंग रूम में। उसके W यानी कि हम उसके पैर पे कूद के उसका बैट तोड़ देंगे। बिफोर बैटिंग, ड्यूरिंग बैटिंग। अभी तो भाग गया है। सुनने में आया अर्षदीप पाजी गौती भाई से तो मिले ही नहीं, स्टेडियम का कोई पीछे का रास्ता था, वहाँ से सीधे होटल रूम चले गए। एक हमको लेटिंग लगा, गो गो करके ऐसा लेटिंग लगा कि पेंटिम हो जाएगा, धाय धाय कुर्ता पजामा फेंक के ऐसे फेंक। लास्ट वीडियो में मैंने क्या बोला था, इधर आते को ट्वीट पढ़ाता हूँ। अरे गौती भाई, बात बात पे डंडा क्यों निकाल लेते हो यार, तो मैं कहता हूँ गंभीर भाई निकाल ही लो आज तो। अर्षदीप भाई की गर्लफ्रेंड आई हुई थी क्या स्टेडियम में मैच देखने, क्योंकि प्यार में इंसान अपनी लिमिट और आई भी होंगी तो अब नेक्स्ट टाइम से नहीं आएंगी। हो सकता है गर्लफ्रेंड ने बोल दिया रोहित शर्मा मेरे फेवरेट क्रिकेटर है क्योंकि सिक्सेस बहुत मारते, और अर्षदीप पाजी ने हवाबाजी में बोल दिया हो, अरे ये तेरे रोहित को सिक्सेस मारने किसने सिखाया, अर्शु ने। जेनी मुझे बहुत अच्छी लगती है और जेनी को आप अच्छे लगते हैं। श्रीलंका वाले भी बहुत अजीब है भाई, इनको लगा मोहम्मद सिराज नाम का आदमी बहुत विकेट्स लेता है, तो इन्होंने भी एक नकली मोहम्मद सिराज रख लिया मोहम्मद सिराज नाम से। अब ये कौन सा एडिडास एबीबास का कार्यक्रम चल रहा है भाई साहब, अब मुझे समझ में आया बेचारे मोहम्मद सिराज भाई ऐसा क्यों बोलते थे बार बार। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है भाई के, जो भी है वो फेक आईडी है भाइयों। पर हम लोग जो चीज मिस कर रहे थे T20 क्रिकेट में, ODI में हमें नहीं करनी पड़ी। और स्टंप माइक भी किसका, रोहित भाई का। वॉशिंगटन सुंदर DRS लेने के लिए रोहित भाई की तरफ मुड़ा और यू टेल मी, मेरे को क्या देख रहा है, मैं क्या बताऊं अब। पर रोहित भाई DRS का डिसीजन तो कैप्टन ही लेता है। अबे कौन कैप्टन यार, मैं तो रिटायरमेंट ले चुका हूँ। अरे वो तो आपने T20 से लिया है ना, तो ये कौन सा फॉर्मेट है यार। अरे ये ODI है रोहित भाई, क्या बात कर रहा है। ए फिर तो कोई भी गार्डन में नहीं घूमेगा, ODI है, कमाल बात है। और रोहित भाई सेकंड इनिंग्स में फिर से भूल गए और T20 क्रिकेट ही खेल डाला। ये आउट नहीं होते तो कसम से भाई 20 ओवर में मैच खत्म करके ही जाते। उधर हमारे KL राहुल भाई वाइड बॉल के लिए रिव्यू मांग रहे थे और वो भी स्टंप माइक में आ गया। Is there an IPL rule for this? अरे मेरे संतरा टोपी के ऑफिशियल हकदार, IPL से बाहर आ जाओ यार, अभी तो उसमें बहुत टाइम है। KL राहुल भाई जब वाइड का रिव्यू लेना था पूछ रहे थे क्या IPL जैसे इसमें भी रिव्यू ले सकते हैं वो वाइड बॉल के लिए, और पूछा भी किससे, रोहित भाई से। रोहित भाई ने बोला अबे मेरे को कल क्या हुआ वो याद नहीं है, तू IPL की बातें कर रहा है। KL राहुल भाई हमारे IPL से बाहर नहीं आ पाते, इनका मॉर्निंग अलार्म भी यही है भाइयों। IPL से याद आया, ये दोनों इंसान वही है क्या भाइयों, जो अब दो जिस्म एक जान बन चुके हैं। प्रैक्टिस सेशन के पहले, प्रैक्टिस सेशन के बाद, ड्रेसिंग रूम में, खाना खाते समय, पूरे टाइम चिपक के रहते हैं भाई, 2 सेकंड भी इधर उधर नहीं हो रहे दोनों। ये दिल्ली बॉयज एकदम चिपक चुके हैं भाई दोनों, दोनों 2 सेकंड के लिए भी अलग नहीं हो रहे। यहाँ तक कि जब विराट भाई बैटिंग करने जाते हैं गंभीर भाई भी पीछे पीछे साथ में चल देते हैं बैटिंग करने पैड्स पहन के, एम्पायर को रोकना पड़ता है भाई आप तो कोच हो।
वीडियो कॉल भी अनुष्का शर्मा की जगह अब गौती भाई को लग रहा है। और ये चीकू भैया के पास मैं बता रहा हूँ, कुछ तो ऐसे जोक्स है या तो फिर गुदगुदी करने का इनको एग्जैक्ट पॉइंट पता है कि कहाँ पे इंसान हंसता है। पहले तो उस सुनील नरेन को हंसा दिया और अब गौती भाई को इतना मुंह फाड़ के हंसते हुए तुमने लास्ट टाइम कब देखा था, तुम ही बताओ। कपिल शर्मा को सिद्धू पाजी मिल गए थे, गौती भाई को चीकू पाजी मिल गए। हर्षदीप सिंह ने भी कॉल किया कोहली भाई को कि आप चलो यार मेरे साथ में, क्या पता आपको देख के गौती भाई का मूड थोड़ा सही हो जाए तो तुम पिटाई करें मेरी। भाइयों वैसे क्या चल रहा है कमेंट सेक्शन में? अगर तने भाई को कंसिस्टेंट बनाना है तो 1 मिलियन नहीं कराना है भाई लोग हमें। भाई कोई सब्सक्राइब मत करो तने भाई को, कंसिस्टेंट रखने की निंजा टेक्निक मिल गई है भाई। 1 मिलियन नहीं करवाना, नहीं तो ये फिर से पहले जैसे गायब हो जाएंगी। पूरा कमेंट सेक्शन इसी से भरा रहता है कि तने भाई को सब्सक्राइब करके 1 मिलियन मत कराना वरना ये फिर से इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। पूरा एंजॉय कराया आपको, आप हमको ही पेलने के चक्कर में ना। ठीक है बा। वो बोलते हैं ना जितने हरामी आप हो उतनी हरामी आपकी ऑडियंस होगी, ये तुमने प्रूव कर दिया कमीनो। खैर अगर तुम्हें इसी बकचोदी में मजा आ रहा है तो भाई ऐसा ही कर लो। अरे जिगर के टुकड़े हो यार तुम लोग, तुमको जाने मन ऐसे थोड़ी बोलता हूँ। 1 मिलियन क्या 10 मिलियन कुर्बान तुम्हारे लिए यार। जब पेट भर जाना इस हरामीपन से तब कर देना सब्सक्राइब, अब कुछ नहीं बोलूंगा मैं। अब देखो यार वीडियो के अलावा तुम इस टाइप की बकचोदी में भी इंजॉय कर ले रहे हो तो और क्या चाहिए। इस गम के साथ मीम्स मेमे मामा रिव्यू छटका देते हैं जाने मन ओडीआई मैच के। वो क्यों रे? मैं नहीं लोला, मैं तो मजा में पाजी गंभीर रह रहा है, खुद को बैट्समैन समझ बैठा। बैट्समैन तक तो ठीक था हर्षदीप पाजी, ये जो आपने सोचा ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फिनिशर बन जाओ वो गलत कर दिया। गौतम गंभीर रोहित भाई हर्षदीप भाई को सैर कराने ले जाते हुए सोचा 6 मार के मैच फिनिश कर दूं, फिर याद आया कुछ गंभीर है। फिर जो गंभीर भाई ने किया उसका लाइव प्रसारण हम देख नहीं पाए। हर्षदीप बिफोर फेसिंग गौतम गंभीर टुडे, मेरे को तो ऐसे धक धक हो रहा है। हर्षदीप पाजी आए ही नहीं मिलने, वो सीधे ग्राउंड के पीछे से निकल लिए। अब सीधे सेकंड ओडीआई में ग्राउंड पर आएंगे, उन्होंने बोल दिया कि पब्लिक के सामने ही मिलूंगा गौती भाई से, पब्लिक के बिना नहीं। और व्हेन रोहित शर्मा इज बैटिंग बिफोर रोहित शर्मा बैटिंग, भाई ये वर्ल्ड कप जो लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था ना तब से यही सीन चल रहे हैं। जब रोहित भाई खेलते ऐसा लगता है बैटिंग पीछे, जब आउट हो जाते हैं तब लगता है ये क्या हो रहा है। ये हर्षदीप को बैटिंग की स्कीम से निकालो, हाँ यार गौती भाई हर्षदीप भाई को बैटिंग की स्कीम से निकालो और गिल भाई को बॉलिंग की स्कीम से प्लीज। गौतम गंभीर हर्षदीप, देखा मैंने बोला था ना फाइनली गौती भाई ने डंडा निकाल लिया अपना। सेकंड टाइम मैच इन अ वीक, ब्रो इज वर्किंग एक्स्ट्रा हार्ड टू कम्पीट विद ओलंपिक्स। भाई ओलंपिक चल रहे हैं तो क्रिकेट पर भी तो सबका ध्यान रहना चाहिए, लॉर्ड भाई ने उसकी व्यवस्था जमा रखी है। गौतम गंभीर हर्षदीप सिंह भारी मिस्टेक हो गया, एकदम ब्लंडर हो गया सर। गौती भाई जय शाह व्हेनेवर देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैच, पता नहीं ऐसी सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आके कैसे आ जाता हूं प्रो। ड्रेसिंग रूम सिनेरियो मैक्स टोनेल भी चला है भैया। ये हुआ होगा मेरे को लग रहा है। आई वांट टू वॉच द वर्ल्ड कप, have to watch the bilateral from stand, Indian management to Riyan Parag. देख अब देख, सबसे बढ़िया तरीका है Riyan Parag को मैच दिखाने का, playing 11 में रख लो पर खिलाओ मत भाई, तू पूरा मैच देख 100 ओवर। जडेजा वॉचिंग अक्षर पटेल बॉल अगेंस्ट श्रीलंका, शॉक लगा 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 शॉक लगा जडेजा भाई, सोच रहे होंगे मतलब अपना काम खलास भाई। वेला लागे वर्सेज अदर नेशन वर्सेज इंडिया, भाई इसको पता नहीं क्या हो जाता है, लास्ट टाइम भी 50 मारी थी, इस बार भी पता नहीं क्या और किसी टीम का किस नहीं खेलना भाई। गौतम गंभीर सर मुझे बॉलिंग नहीं आती, तुझे आती है, तुझे पता नहीं है पर आती है। मेरे को लगता है गौती भाई की जो नजरों के सामने से जाता होगा ना उसको पकड़ लेते हो, चल बेटा बॉल। खैर यार हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करो। अब एक चीज करना चाहूंगा मैं, जैसे मेडल वाली सेरेमनी की जो वीडियोस आती हैं, अब क्या मैं चाहता हूँ ड्रेसिंग रूम में इस मैच के बाद क्या बात हुई थी वो वीडियो आनी चाहिए कि गंभीर ने कैसे एड्रेस किया, हर एक प्लेयर से क्या बात हुई, शिवम दुबे से क्या बात हुई, हर्षदीप से क्या बात हुई, क्योंकि मस्ती के लिए कह रहा हूँ मैं यार। इस वाली हार ये तो टाई था, वैसे तो हार है अपनी, लेकिन कोई फर्क नहीं था। ये मीम भी लग सकता था, भाई साहब मस्त था यार। लेकिन कुछ भी कहो बोरिंग मैच में, एक तो रोहित शर्मा की बैटिंग मजेदार थी और जैसे वक्त जज्बात पर लड़ गए मैच हार गए भाई। सोचा नहीं था कि हम ये मैच मतलब टाई हुआ लेकिन हमारे लिए हार ही थी, कहां से आके कहां पर यार, कहां पर चला गया अपने हाथों से मैच। फिर भी ठीक है, मीम्स होते हैं मस्ती मजाक के लिए, तो उनको मस्ती मजाक तक के लिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय टेक केयर।